हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको पेट एग्ज़ाम जो 15-16 तारीख को होने वाली एग्ज़ाम है, 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराएंगे मॉडल पेपर से। कंफर्म है इस क्वेश्चन में से आपका 10-12 ज़रूर फंसेगा। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसको नोट करते जाइएगा क्वेश्चन को और इसको रट लीजिएगा भी। देखिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम कराते हैं। 30 क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा। वीडियो में आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर है क्रिप्स प्रस्ताव बी। देखिए, इसका मिलान नीचे भी बी है, इसका क्वेश्चन सही है बी। सेकेंड क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? देखिए, इसका सही आंसर है बी, असहयोग आंदोलन के समय। तीसरा, जब रॉटल एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, इसका क्वेश्चन सी सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। चौथा, निम्न में से सत्याग्रहों में से किस नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था? इसका सही आंसर है, इसको नोट करते जाइएगा, इसका सही आंसर है सी, बारदोली ने। देखिए, ये IMP क्वेश्चन है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? इसका सही आंसर है विलियम जोस। ये भी IMP क्वेश्चन है, अगले बार वाले पेपर में पूछा था। निम्न से घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है कन्नौज का युद्ध। देखिए, उसको जो करना था उसको सही से सेलेक्ट करना है, इसका आंसर है। देखिए, उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, इसका नीचे दिए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए, जो छठा का आंसर है। देखिए, इसको व्यवस्थित करना है क्रम अनुसार। देखिए, इसका आंसर है ए, क्रम अनुसार इसको सजाना था। सातवां, कृष्णा देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि बी, इसका आंसर है 8 तेलुगु कवि। नीचे आठवां, निम्न में से कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इसका सही आंसर है, देखिए ये भी अगले बार वाले क्वेश्चन में आया था, IMP क्वेश्चन है। देखिए, इसका है दंती दुर्ग बी। नवा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के निम्नलिखित कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको हम पहले भी बताएं कि 10 क्वेश्चन आता है, इसको अच्छा से रट लीजिएगा। इसका क्वेश्चन है, आंसर सही है सी, अशोक। देखिए, यहाँ पे सी, 2 3 1 4, क्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है मिलान में, कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। इसका क्वेश्चन आंसर सही है सी। दसवां, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोकोपनिषद ए, इसका आंसर सही है ए। ग्यारहवां, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। देखिए, यहाँ पे काठमांडू की राजधानी है नेपाल। देखिए, यहाँ पे GK से पूछता है, आप रख लीजिएगा, अगले वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे। बारहवां, पृथ्वी की सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटकामा मरुस्थल। तेरहवां, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, इसका सही आंसर है उड़ीसा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? देखिए, इसका सही आंसर है असम सी। पंद्रहवां, LAC
LSC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच देखिए खाली स्थान के बीच एक प्रभावी सीमा है। इसका सही आंसर है चीन, भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। 16वां, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? इसका सही आंसर है ए, हथकरघा क्षेत्र के विकास से। 17वां, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमति किया गया। इसका सही आंसर है ए, सफल घरेलू उत्पाद का 2.8%। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। 18वां, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? पते का प्रमाण, पैन कार्ड डालने से पता पूछता है लेकिन उस पर पता नहीं देता है, आधार कार्ड पे पता देता है। इसका सही आंसर है पते का प्रमाण। 19वां, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वही थी, इसका आंसर है 6 अगस्त 1952 सी। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का आधार था देखिए ABIMP क्वेश्चन है। इसका आंसर है हैरोड डोमर मॉडल ए, इसको नोट कर लीजिएगा। निम्न में से लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका सही आंसर है मीरा कुमार सी। 22वां, भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर डी। 23वां, राष्ट्रीय अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? इसका सही आंसर है ए, उपराष्ट्रपति। 24वां, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है सी, ए, अंतशयन आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 25वां, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का उल्लेख कीजिए? इसका सही आंसर है बी, 148। 26वां, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इसका सही आंसर है ए, पाजिस्ट्रॉन। 27वां, देखिए वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, ये तो पता ही होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। देखिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। 29वां, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एक ही क्वेश्चन दे दिया इसको, मतलब ही एसिटिक। 29वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए मिलान वाला आपको हम बताएं कि 10 क्वेश्चन आता है, इसको रट लीजिएगा। रूपांतरिक तन उदाहरण, देखिए इसका सही आंसर है ए, BAC प्रकंद। देखिए 30वां क्वेश्चन, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है डी, एक संयुक्त टीका। देखिए आपको वीडियो ऐसा ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगले वीडियो में आपको हम हो सकता है तो 40-50 क्वेश्चन लेकर आए। इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन का PDF हमने लिंक में दे दिया है।